अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। भिवंडी के लोगों के लिए खुशखबर, अब स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, अब ग्राफिक डिजाइनर, हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, साथ ही सर्टिफाइड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, फैशन डिजाइनर जैसे कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त सिखाए जाएंगे। आज ही संपर्क करें एट यूनिवर्सल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, अबाव कैसर बेगम स्कूल, अपोजिट सागर प्लाजा होटल, नायगांव रोड, भिवंडी। सेकेंड सेंटर एट तकिया मानी शाह ITI कॉलेज, ईदगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, सभी का स्वागत है। महंगाई की मार हर आम आदमी के ऊपर पड़ रही है। हम बता दें कि सेंट्रल में BJP गवर्नमेंट है और हर एक आम आदमी ये कहता है कि महंगाई के जो जिम्मेदार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, BJP सरकार है वो महंगाई की जिम्मेदार है। और हमने भी ये देखा है कि 2014 के बाद से जो महंगाई का स्तर है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक मोर्चा खोला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो महिला मोर्चा है उन्होंने एक जन जागरण रैली का आयोजन किया है। ये पूरे राज्य भर में, पूरे हम कहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जो है ये लोग घूम के चौक सभा कर रहे हैं और हर चौक पे जा जाके जो लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर हर युवाओं को, महिलाओं को खड़े होने की जो है ये लोग हम कहेंगे कि एक जागरणता, मतलब जागरूकता फैला रहे, अवेयरनेस ला रहे। साथ ही साथ में BJP सरकार के खिलाफ जो है इन्होंने जो मोर्चा खोला है तो इसमें ये लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका साथ दें। मैं आपको बता दूं कि ये मोर्चा आज, ये रैली आज भिवंडी शहर में निकली है। भिवंडी शहर के अध्यक्ष, NCP अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान, तो उनके नेतृत्व में ये रैली निकली है जहाँ पे जकात नाके से लेकर शांति नगर तक पूरे रोड पे जो है अलग अलग जगह पे ये चौक सभा लगेगी। तो हम देखेंगे कि पूरी रैली क्या है, किस तरह से है। हमारे साथ में वार्ड नंबर 10, भिवंडी शहर के वार्ड नंबर 10 गेबी नगर इलाके के नगर सेवक है आरिफ खान, जो के हाल ही में कांग्रेस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो है शामिल हुए। तो आरिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, सॉरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो ज्वाइन की है, तो मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, फिर हम लोग जो प्रोग्राम चल रहा है जन जागरण उसके ऊपर आएंगे। तो उसमें जो आपने ज्वाइन किया, क्या देख के जो है आपने NCP ज्वाइन किया? ये जो मैंने पार्टी ज्वाइन किया हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं 3 साल से देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, पूरे हर हिंदुस्तानी की जो दुश्मन है पार्टी, ये BJP जी, तो उसको राष्ट्रवादी हर तरीके से उससे लड़ने के लिए तैयार है। BJP राष्ट्रवादी के ऊपर हमला कर रही है, बहुत से लोगों को अंदर डाल दी, ED की इंक्वायरी लगा दी, हमारे शरद पवार अध्यक्ष जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, अजीत पवार को, सबको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग डर नहीं रहे, ये लोग BJP से लड़ रहे हैं। तो मेरा सोचना यह है कि जो BJP से लड़ रहा है हमको उसका साथ देना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस नहीं लड़ रही BJP से? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस उतना नहीं लड़ रही है जितना भी राष्ट्रवादी लड़ रही है। राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाला पूरे तो देश वो, में वो तो सेंट्रल लेवल में ना, मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ। स्टेट लेवल की आप बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल में, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र में पूरा डिपेंड है राष्ट्रवादी के ऊपर। शरद पवार साहब जो बोलते हैं कांग्रेस वैसे ही करती है। अच्छा, तो इसके लिए मैंने सोचा कि राष्ट्रवादी को वाया क्यों जाना, डायरेक्ट चले जाना। ठीक है, तो मुझे क्या मतलब, और मुझे शरद पवार साहब की जो सबसे अच्छी एक बात लगी 2019 में जब BJP ने पूरी बहुमत लेकर आई और महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही थी, तो वो टाइम शरद पवार ने उनकी सरकार नहीं बनने दी और महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की सरकार बनाई, सरकार खेला था वहाँ पे, महा विकास अघाड़ी की सरकार बना दी जी जी, और BJP में सरकार नहीं बनने दी जी जी। तो अरे भाई, मेरे को एक बात बताओ कि अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हुए हैं, तो आपको यहाँ का सपोर्ट मिलेगा NCP को लेकर? इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा जी, और नगर पालिका के इलेक्शन में पार्टी बहुत ज्यादा कीमत नहीं रखती है। हाँ। जो वार्ड में नगर सेवक काम किया रहेगा वही जीत के आता है, जो काम नहीं किया रहेगा वो किसी भी पार्टी चेहरा है या तो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, वो काम करता है वही चुन के आता है, वो कोई भी पार्टी से रहे, और जो काम नहीं करेगा वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो जाएगा, वो चुन के नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये हम लोग आते हैं आज की रैली के ऊपर, आज की रैली निकली है जन जागरण जो सभा निकली है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
ये भी उसी लिए जो महंगाई का मुद्दा है हमारा हिंदुस्तान में पूरे और बहुत से जो मामलात है, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना है, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया। और ये पूरे महाराष्ट्र में हर जगह ये प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम जो है बीजेपी के खिलाफ है। अच्छा, हाँ हमने देखा कि बीजेपी का काला कमल इन लोग ने बताया है वीडियो के अंदर में, ये बीजेपी के खिलाफ है। जी 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 जी, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से आम पब्लिक जागेगी, इस तरह से जगाने से? जरूर जागेगी, क्योंकि हर आम पब्लिक नहीं, हर उनके बीजेपी पार्टी के खुद लोग बीजेपी से नाराज है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि बीजेपी जो आवाज उठाता है उसको आवाज को दबाने के लिए हर पैतरा चलती है और हर काम वो हर गैर कानूनी मतलब उसके ऊपर जुल्म करती है, ईडी की इंक्वायरी लगा देती है, इनकम टैक्स की इंक्वायरी लगा देती है, इसके लिए हर आदमी ज्यादा करके खामोश है। इससे लड़ने का जो काम कर रहा है वो सिर्फ शरद पवार साहब जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है वो और राष्ट्रवादी पार्टी है, वही इनसे लड़ रही है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई इनसे बात करने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ में ऐसे बने रहे, हम आपको आगे की और अपडेट देते रहेंगे। जो रैली है ये शांतिनगर में जाके ये खत्म होगी और वहां पे एक सभा रखी गई है, तो उसकी भी सारी अपडेट हमको देंगे। मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस, थैंक यू।